मुरादाबाद पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगभग 40 लाख रुपए कीमत के महंगे मोबाइल बरामद करते हुए उनके वास्तविक मालिकों की सुपुर्दगी में सौंप दिए गए हैं। दरअसल मुरादाबाद पुलिस को सर्विलांस टीम और SOG ने मिलकर भारी संख्या में वो मोबाइल बरामद किए हैं जो या तो कहीं गिर गए थे या किसी के द्वारा चुरा लिए गए थे। SSP हेमराज मीणा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन मोबाइल के वास्तविक मालिकों को बुलाकर शिनाख्त के बाद उन्हें सौंप दिए हैं। सर्विलांस टीम ने कुल 201 महंगे वो मोबाइल बरामद किए हैं जो गुम हो गए थे, जिनकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। अपने गुम हुए मोबाइल मिलने के बाद मालिकों के चेहरों पर मुस्कान नजर आई है और उन्होंने मुरादाबाद पुलिस को धन्यवाद दिया है। मेरा नाम क्षमा ठाकुर है। क्या आज मोबाइल मिल रहे हैं? रेडमी था, मैं मतलब मुझे नंबर तो ध्यान नहीं है उसका। 5 जुलाई 2023 को वो गुम हो गया था, तहसील सदर के आसपास। जी, मैं रहती हूँ एकता कॉलोनी मंडी समिति के पीछे। ये मेरा, मैं अम्बेडकर छात्रावास में अधीक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। मेरे छात्रावास के बाहर से ही ये गुम हो गया था। क्या नाम आपका? मेरा नाम पूजा सैनी है। कहाँ रहती हो? कांट रोड डेंटल कॉलेज। आज मोबाइल मिल रहा है, कैसे महसूस? जी, आज आपको मोबाइल मिल रहा है, कैसे महसूस हो? बहुत अच्छा। एक साल बाद, पूरा एक साल होने वाला है अब, एक साल बाद फ़ोन के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। हरतला से दो हॉस्पिटल। कैसे? कॉलेज से आते वक्त ऑटो से उतरते टाइम फ़ोन मेरा गिर गया था मेरे हाथ से, फिर उसके बाद में कॉल भी किया, फिर किसी ने उठा लिया, फिर कंप्लेंट की थी। पोको M5। हिंदू कॉलेज मुरादाबाद। BSc फाइनल ईयर। ये सर्विलांस टीम और हमारी जो SOG टीम है, इनके द्वारा आज करीब 201 फ़ोन हैं वो रिकवर किए हैं, जिसमें है वीवो कंपनी के करीब 52 फ़ोन हैं, ओप्पो के 50 हैं, सैमसंग के 30 मोबाइल फ़ोन हैं, रियलमी के 27 हैं, रेडमी के 57, और इसके अलावा बाकी वन प्लस और यह और जो मोटरोला, पोको, इस तरह की जो टोटल मिला के करीब 201 मोबाइल रिकवर किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख के आसपास हो गया। और ये वो वाले फ़ोन हैं जो कि कहीं पे या तो मिस हो गए या कोई छोड़ दिया या गाड़ी चलाते टाइम पे कोई गिर गए फ़ोन, या फिर किसी ने निकाल लिए उस तरह के फ़ोन जो कि यूज़ कर रहे थे। तो इनको सर्विलांस टीम ने रिकवर किए हैं, इनका जो IMI रख करा के, और आज सभी को बुला के इनके जो ऑनर हैं उनको इनको सपोर्ट किया। बाकी जो कुछ इस तरह के मोबाइल भी हैं इसमें जिनके चोरी वोरी के हैं तो उनकी जानकारी की जा रखी है, तो किसने चोरी किया था, क्योंकि चोरी करने के बाद में जनरली मोबाइल को लोग बेच देते हैं दूसरे को, तो जिनसे रिकवर किया गया वो उन्होंने ख़रीदा था, तो उनको किसने बेचा है उसकी जानकारी इसमें की जा रही है।